हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इवनिंग राइड। ये घड़ी अपनी निंजा भाई। चलिए फ़ोन लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इवनिंग प्लान है और चलिए आपको लेके चलता हूँ आगे राइड पे, वहाँ बात करते हैं। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक इवनिंग राइड पे। ये है हमारे घर के बगल का पार्क, जहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड एज ऑलवेज चैनल 7 Winds वो आ रहे हैं। और हमने एक इवनिंग राइड प्लान की क्योंकि दिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, धूप है और बारिश भी नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड स्पेशली बारिश के लिए ही जाना जाता है। यहाँ बारिश होती रहती है होती रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना एक राइड प्लान की जाए और चला जाए राइड पे। तो वो आएंगे, तब तक मैं यहाँ उनका वेट करता हूँ और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे हम कहाँ जाने वाले हैं कहाँ नहीं। नए गियर्स, आज मेरी नई पैंट आई है, ये देखिए, नए शूज अल्पाइन स्टार के। चलिए वेट करते हैं, वो आते हैं फिर आपको उनसे मिलाते हैं। तो पीछे से आ गए। मैं उधर से देख रहा हूँ आपको। मैंने कहा हीरो की एंट्री पीछे से हो गई भाई लोग। तो कहाँ निकल रहे हैं हम? कारे कह रहे के वाइट टेपू कारे कह रहे ना, वाइट टेपू का रास्ता डिफरेंट है, कारे कह रहे का डिफरेंट है। चलो फिर वाइट टेपू चलते हैं, नहीं भी केव्स जा पाएंगे तो देखा जाएगा। मेरी पेंट नहीं देखी आपने? जो भी है मेरे लिए तो नए हैं। वाइट टेपू कारे कारे कह रहे के आपने नई पेंट नहीं देखी मेरी? अरे वाह 200 में एफसी मोटो। बस हेलमेट आने का नाम नहीं ले रहा। क्या करूं मैं? हेलमेट अभी फाड़े का बंद करो। ये नहीं, अभी आने का नाम नहीं ले रहा। अरे मैं आ रहा हूँ यार कैमरे में। ये मोबिल भी है, मोबिल जाना है रस्ते में, वहाँ नहीं कहीं कोई मेरे को पता आगे स्टेशन होगा। तितिरंगी में एक पंप है, चलो फिर तितिरंगी भी डलवाते हैं। लीड ठीक है। तो चलिए गाइस निकल रहे हैं आज की राइड पे। चलिए जी हम जा रहे हैं वाइट टेपू बीच। हाँ हाँ ग्रीनरी। तो वो मुझे फॉलो करेंगे क्योंकि मेरे एरिया से हम निकलेंगे और मुझे एरिया पता है थोड़ा सा गैस स्टेशन तक का। चलिए शुरू करते हैं राइड को। ये मेरा ही एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ। इधर थोड़ा सा मतलब 2 मिनट की वॉक है पीछे इस मार्केट के, वहाँ रहता हूँ। और अभी यहाँ से हमें निकलना है इस मार्केट से। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन की वजह से मतलब ज़्यादा क्लिक एंड कलेक्ट है, मतलब ऑनलाइन बाय कर सकते हो आप चीज़ें, खाने पीने की जगह पे जा सकते हो, थोड़ा बहुत रिटेल का भी खुल गया पर बाकी सब बंद है। ये आ गए हम शिमला। शिमला की माल रोड भाई, यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे हम शिमला की माल रोड से। लेफ्ट साइड पे है खाने पीने का सामान, राइट साइड पे है गोल। तो यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ वेट करता हूँ। आज बाइकर निकले हुए हैं इसका मतलब। तो ये डलवा रहे हैं अपनी Z650 में गैस, ओ पेट्रोल, अपन ने तो कल ही फिल करी है। और ये माल रोड है, वो सामने मिलता है खाने पीने का सामान, ये पूरी खाने की मार्केट है। और एक बाइक वहाँ भी खड़ी है। ट्रैफिक देखिए इतना नहीं है, ठीक है यहाँ पे।
मैं हुया व्यू पॉइंट तक तो गया हूँ, पर आगे रास्ता नहीं पता, और वहाँ तक भी पता नहीं है प्रॉपरली। एक बार लगा दीजिए कैमरे का एंगल सही है ना? हाँ सही है। वो नीचे मेरे को सेट नहीं बैठता, वो हिल जाता। चलिए अब यहाँ से लगाएंगे। आज जीपीएस मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है तो क्या करें। ज़बरदस्त 1500-1600 सीसी, क्या पता 2800 सीसी हो। चलिए फॉलो करेंगे मिस्टर वी को, इनका नाम है मिस्टर वी। तो चलिए ये निकलेंगे, हम इन्हें फॉलो करेंगे। ये हम कहाँ खड़े हैं? माल रोड निकलिए। अरे मैं कैसे निकलूं? सामने व्यू देखिए गाइस, आपने पहले भी इस वीडियो में देखा होगा, जहां हम ये राइट साइड पे डैम है, डैम पे रुके थे, पर इस बार डैम पे नहीं रुक रहे हैं, हम सीधा जा रहे हैं बीच पर। यहाँ देखिए, यहाँ घर बहुत ही महंगे होंगे, मतलब व्यू भी कितना शानदार है। इधर की तरफ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। हा हा हा, मतलब इन घर का व्यू, तभी इन्होंने बहुत ही शानदार व्यू है। थोड़ा थोड़ा झाड़ियों में आपको दिख रहा होगा। कार कहाँ पार्क कर? चलिए इधर आए, इधर का भी एक वीडियो तो बना। मतलब बाइक पे तो मज़ा ही आ जाता है ना ऐसी राइड करने का, आप सभी को तो पता ही है। स्पेशली लोग रोहतांग, शिमला, लेह, लद्दाख जाते हैं बाइक पे, बाइक राइड करने, इन्हीं सब व्यूज़ का मज़ा लेने तो जाते हैं। ये बे है सामने, अभी खाली है। हाई टाइड के टाइम यहाँ पे पानी भर जाता है सारा, अभी हाई टाइड नहीं है तो पानी नहीं भरा हुआ। आप देख ही सकते हैं, हंसी वादियों में राइडिंग का मजा आ रहा है। हा हा हा, सामने उनको देखिए, क्या शानदार मस्त व्यू है, पहाड़ियाँ, दो बाइकर्स। यहाँ जा रहे हैं हम, क्लोज्ड, आई थिंक क्लोज्ड है। अब गाइस रास्ता देखिए, नाइस व्यू। व्यू बहुत ही शानदार है, आप देख ही रहे हैं। फाइनली यहाँ तक आए। तो हमारी खड़ी है बाइक से यहाँ पर, और ये नज़ारा देखिए। यहाँ थोड़ी सी ब्रेक ली, अभी आपको आगे लेके चलेंगे और थोड़ा और दिखाएंगे, थोड़ा व्यू और। तो गाइस यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे और, क्योंकि रास्ता आगे बंद है, मैंने जैसे आपको बताया, और छोटी सी राइड है। कुछ मैंने यहाँ पे वीडियोस दी अपनी निंजा की, वो कह रहे हैं कि वो अपना वीडियो बना रहे हैं। मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ और वो कैमरा सेट अरे ऑन कैसे होगी भाई, अपनी हार्ले डेविडसन होगी शुरू। जो देखिए चलिए आगे निकलते हैं धीरे धीरे। अरे दा दा
पे गाड़ी रोक नहीं सकता। व्यू देखिए, ऑसम व्यू है। चलते हैं, येलो लाइन है, यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते। सीधा जाऊंगा उसमें गोली की तरह। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जहाँ में ठंडी हवा लग रही है फ्रिज के ऊपर। ऐसे जगह पे तो धीरे धीरे बाइक चलाएं। हरा हरा पानी और सड़क बगल से जा रही है। वो पहाड़ी देखिए, रोड क्लोज है आगे तो वहाँ तक ही जा सकते हैं। और यहाँ से हम मारेंगे यू टर्न। ये एक्सपीरियंस करना रह गया था। ले लद्दाख तो क्लोज है, नो बीचेस, नो कुछ, सब कुछ क्लोज। ये एंड ऑफ द वाटर भाई, पानी आ रहा है, निकल ले। आ गया आ गया आ गया, लहरें आ गई लहरें, भागो। मैं तो भाग लिया। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमने बाइक्स यहाँ पार्क कर दी हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, एकदम ऑसम। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, उधर देखिए उधर से पानी आ रहा है, वो उधर से आगे क्लोज्ड है। ये खड़ी अपनी निंजा और वो खड़ी है Z650। डूब ना जाए ये टाइटैनिक की तरह। उधर देखिए पानी आ जा रहा है, पहले मैं उधर गया था फिर मैं वापस आ गया इधर की तरफ। तो वो खड़ा है टाइटैनिक ब्लैक कलर का सामने, जो थोड़ी देर में डूबने वाला। अरे फ़ोन कहाँ है, वीडियो निकाल लें एक दो यार। वो फिर डालना होता है ना, वो क्या होता है, वेयर इज़ माय ग्लव्स, ओ सॉरी हेलमेट। ये ले लद्दाख, पानी पानी में से निकलूँगा। ये मज़ा आ गया। थोड़ी देर की यहाँ ब्रेक लेते हैं गाइस। ये खड़ी है अपनी निंजा, अभी यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये पड़ा है वेयर इज माई हेलमेट, और ये रहा बीच। तो अभी शूटिंग की तैयारी हो रही है। वो खड़ी है उनकी निंजा, सॉरी Z650। अभी ड्रोन शॉट लेंगे यहाँ कुछ। वो झरना मस्त बह रहा है छोटा सा, और सामने आप व्यू देखिए सारा। तो ये आज की राइड छोटी सी फन लगी मुझे काफ़ी। बाइकें पीछे खड़ी हैं और ये अपना पिटारा खोल रहे हैं कैमरे वाला, देख सकते हैं पीछे। अरे बहुत है यार, अपने को चाहिए वो। मैं भी सोच रहा हूँ अभी इंस्टा देखूँ, इंस्टा 360 या फिर ड्रोन फ्यूचर में। पहले लोग वीडियो तो पसंद करें, वीडियो पे व्यू ही नहीं आते यार। प्लीज़ देखिए न्यूजीलैंड की ब्यूटी को, देखिए कैसे छोड़ सकते हैं आप ऐसी ब्यूटी और ग्रीन ब्यूटी। तो गाइस आज की ये थी छोटी सी राइड,
पानी भर रहा है। इस राइड को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपके साथ ऐसे ही मैं ब्यूटीफुल बीचेस और न्यूजीलैंड की जगहों की वीडियो लाने वाला हूँ फ्यूचर में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमें शायद निकलना होगा, ये तो बच गए भाई टाइटैनिक होने से। चलिए फिर से मिलेंगे एक वीडियो में। थैंक्स।